गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग घर में या फिर फैक्ट्री में कहीं भी जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार घर के बाहर में या पहला रूम में या फिर फैक्ट्री के पहले स्थान पे एक इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ होता है, उससे क्या होता है कि हम जो बिजली का खपत कर रहे हैं, बिजली का हमारे घर में जो अप्लायंस है, टीवी, फ्रिज, रेडियो, बल्ब, पंखा, ये सब जो है, वो जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा हमको बिजली बिल चुकाना होगा। हालांकि इसमें कुछ स्टूडेंट ये भी कहेगा, सर हमारे यहाँ तो बिजली बिल लगता ही नहीं है, टोका फंसाते हैं, क्योंकि वो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपको बिजली बिल गवर्नमेंट को पे करना होता है। उस बिजली बिल का नियम होता है कि देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है, इन एनी होम या वन होम किसी घर में 10 वाट का 8 LED बल्ब लगा हुआ है जो कि 16 आवर चलता है। 10 वाट का 8 LED बल्ब है, 16 घंटा चलता है। 80 वाट का 4 फैन लगा हुआ है जो कि 10 घंटा चलता है। फिर 400 वाट का 2 TV लगा हुआ है जो कि 4 घंटा चलता है। 600 वाट का 2 फ्रिज लगा हुआ है जो कि 10 घंटा चल रहा है हमारा। फिर आपका 1000 वाट का 1 मोटर है जो कि 3 घंटा चलता है। तो देखिए ध्यान से कि हमारे घर में जो अप्लायंस है, LED बल्ब मान लीजिए 8 पीस है, 8 पीस LED है, 10 वाट का LED है, 16 घंटा चला रहे हैं सब LED को। 80 वाट का 4 पंखा है जो कि 10 घंटा चलता है। फिर 400 वाट का 2 TV है, 4 घंटा चला रहे हैं। और 600 वाट का 2 फ्रिज है जो कि हम 10 घंटा चलाते हैं। और 1000 वाट का 1 मोटर है पानी वाला जो कि हम 3 घंटा चलाते हैं। और जो है पर यूनिट चार्ज हमारा बिजली बिल कितना है, 1 यूनिट अगर बिजली बिल उठाते हैं तो 1 यूनिट उठाते हैं तो बिजली बिल हमको लगता है 5 रुपया। तो हमको मंथली बिल, बिजली बिल कितना लगेगा, ये जो है एवरेज आपका दिया हुआ है। इसलिए अब टोटल कंजप्शन क्या होगा, सबसे पहले एलईडी का देखते हैं। एलईडी का कितना है, 8 LED है, 8 × कितना वाट का है, 10 वाट का है। कितने घंटे यूज कर रहे हैं, 16 घंटा, तो कितना हो गया आपका, 1280 वाट आवर हो गया। इसको लिखेंगे 1.28 kWh, ठीक है। अब देखते हैं फैन के विषय में देखते हैं, फैन कितना पीस है, 4 पीस है, कितने वाट का है, 80 वाट का है और 10 घंटा यूज करते हैं। तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखते हैं टीवी
टीवी कितना है? दो पीस है, दो टीवी है, 400 वाट का है, कितने घंटे चलाते हैं? 4 घंटे गुना किए 3.2 kWh, ठीक है। अब देखिए फ्रिज है, फ्रिज कितना है? फ्रिज भी दो है, 2 × 600 × 10 आवर चलता है, ठीक है। अब क्या है? मोटर है, मोटर है, मोटर एक है, 1000 वाट है और 3 घंटा, यानी कि 3000 वाट आवर, यानी कि 3 kWh। अब जोड़ देंगे कितना हो गया, तो ये हो गया आपका डेली, कितना हो गया 8.8 हो गया, 2 × 2 = 4, 2 = 6 22.68 kWh, यानी कि 22.68 kWh आपका यूनिट हो गया। अब मंथली का हम करेंगे, MONTHLY, मंथली, मंथली में क्या करते हैं, एवरेज हम 30 से गुना करते हैं, 30 × 22.68 इतना यूनिट हो गया। अब चूंकि RS निकालना कितना हो गया, इतना यूनिट गुना 5 रुपया, 1 यूनिट का 5 रुपया 22.68 × 5 यानी कि 3402 रुपया, 3402 रुपया हम मंथली खपत करते हैं। 30 दिन का इतना यूनिट निकाल लिए, 1 यूनिट का 5 रुपया चार्ज है, तो 1 महीना का चार्ज आपका कितना हो गया, 3402 रुपया हम मंथली यूज करते हैं, अगर इस टाइप का हम लोग करते हैं तो। तो आज इस टाइप का प्रॉब्लम छोटा छोटा अपने घर में जो जो है उसको अप्लायंस को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद रेट हो सकता है 5 की जगह 3 रुपया हो 2 रुपया हो, तो उस टाइप का आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।